ठीक है, मैं तो हूँ एक सीपी, मेरा ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी कस्टमर को गलत किया तो कस्टमर मेरा ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है सबके लिए कि एक फ्लैट जो है वो एक बिल्डर कितना बार सेल कर सकते हैं। कई बार ऐसा न्यूज़ में भी आते हैं और वो कर भी कैसा सकते हैं। यहाँ पर बहुत लो बजट प्रॉपर्टी है, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, जिनके पास डाउन पेमेंट है ही नहीं, वो भी आ रहा है। क्या बिल्डर को ऐसा कस्टमर्स को देना चाहिए जिनके जीरो डाउन पेमेंट है और उसी फ्लैट का एग्रीमेंट बढ़ा? तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक बिल्डिंग जो है उसका रेरा में जो पासिंग है या उसका जो सीसी है वो 6 माले तक की है, 6 फ्लोर का परमिशन मिला है उनको, लेकिन 7 भी बिल्डर बना रहा है, 8 भी बना रहा है, ऊपर का बेच रहा है, तो वो रजिस्टर्ड होता है या वो लीगल है? और उसके लिए, उस चीज से बचने के लिए कस्टमर को क्या चीज देखना जरूरी है? तो सर, जैसे कि हम सबको पता है कि रियल एस्टेट में बिल्डर को भरोसा करने के लिए उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि उन्होंने अपना लाइफ में, अपना पिछले जिंदगी में क्या क्या किए, कितना गुनाह किए, कितना अच्छा काम किए। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन है कि कोई बिल्डर अगर दूसरा जगह पे फ्रॉड करके आए हैं, दूसरा जगह पे बिल्डिंग बनाया नहीं, पैसा लेके भी आज झाल करके आते ना कोई बिल्डर, तो यहाँ पर अगर नेरल में बिल्डिंग बना रहा है तो कस्टमर कैसा पहचानेंगे कि वो बिल्डर लीगल है, अच्छा है या बुरा है, उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा चेक करेंगे? आप रेरा के वेबसाइट पे जाओगे ना जी, तो उसमें ब्लैक लिस्टेड बिल्डर की लिस्ट भी है। अच्छा, वो कोई कस्टमर देखता नहीं, मगर रेरा के जो वेबसाइट के ऊपर ब्लैक, जो बिल्डर ब्लैक लिस्टेड है उनका सब लिस्ट अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हो, यानी कि कस्टमर ये भी देख सकता है कि कौन सा बिल्डर ने क्या काम किया, कितना बिल्डिंग बनाया है, नहीं बनाया, किसका ओसी आया है, नहीं आया, वो भी ऑनलाइन चेक हो सकता है। और जैसे भी बिल्डर भी जो भी काम करता है ना, उनको रेरा में सब अपडेट करके देना पड़ता है जी। उन्होंने जितने भी फ्लैट सेल किए ना, वो भी उनको रेरा में अपडेट करना पड़ता है। ये चीज मैं सीपी के लिए भी पूछना चाहूंगा, ठीक है, मैं तो हूँ एक सीपी, मेरा ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि मैं अगर चाहता हूँ बिल्डर, तो ठीक है, कई बार ये होता है कि लोग बिल्डर तक पहुंचते भी नहीं है, है ना, इतना ट्रस्ट करते हैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह देख के, और सीपी का ऊपर पूरा छोड़ देते हैं। मेरा पास तो, मेरा 90% कस्टमर ऐसा ही है, नवाब भाई आपसे ले रहा हूँ तो आप बेस्ट हो, हमको पता है, और आप लीगल प्रोजेक्ट ही दोगे, लेकिन हाँ मुझे पता है मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे ना, गलत कर सकते हैं। एजेंट्स के लिए, एजेंट ने भी, मैं जो जैसे स्टार्ट में बताया कि एजेंट ने भी जगह का 7-12 कंस्ट्रक्शन परमिशन, कंस्ट्रक्शन प्लान, कितने उसमें फ्लोर कितने सैंक्शन हुए, लॉयर का टाइटल सर्टिफिकेट, रेरा सर्टिफिकेट और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, या आप लोगों ने भी चेक करना चाहिए। सही बोले आपने। तो हमको अगर किसी प्रोजेक्ट में आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ये बोले तो आप ये सब चेक करके आप मार्केटिंग से तुम डील करो। लेकिन अगर कोई सीपी, कोई एजेंट अगर चाहता है कि कस्टमर के साथ फ्रॉड किया जाए, तो उनके लिए क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? कस्टमर किसी ने गलत कमिटमेंट किया, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑकवर्ड टाइप का, क्योंकि मेरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको कि एक कस्टमर मुझे कैसा, मतलब फांसी का फंदा में चढ़ा सकता है, उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि अगर मैं किसी कस्टमर को गलत किया तो कस्टमर मेरा ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसके लिए ही बनाया गया है जी। अगर कोई एजेंट या कोई बिल्डर किसी फ्लैट ओनर को चीट करता है या उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन देके कोई चीज बेचता है, तो उसके लिए कंज्यूमर में अगर उसने केस डाला तो आपसे वो कॉम्पेंसेशन भी ले सकता है, और वो चीज भी जो जो आपने कमिटमेंट की थी वो फुलफिल करके आपसे ले सकता है। okay. और एक तगड़ा कॉम्पेंसेशन आपके ऊपर होता है अगर आपने गलत कुछ प्रॉपर्टी दी तो। कोई भी अगर गलत कर रहा है, चाहे बिल्डर हो, हाँ, प्रोमोटर हो, कोई भी लैंड ओनर हो या एजेंट हो, एजेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, और खासतौर पर नेरल रियल एस्टेट में तो आप देखेंगे कि कस्टमर तो नॉर्मली 90% 80% कस्टमर एजेंट के थ्रू सीपीस के थ्रू जाके बुकिंग करते हैं। तो हम सबको सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ पॉलिसीज है, ये कह सकते हैं हम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है सबके लिए कि एक फ्लैट जो है वो एक बिल्डर कितना बार सेल कर सकते हैं। कई बार ऐसा न्यूज में भी आते हैं, और वो कर भी कैसा सकते हैं, इसका आप क्या जानकारी देंगे अपना कस्टमर्स को? अगर वो आके एक रेडी फ्लैट भी ले रहे बिल्डर से और वो फ्लैट बिल्डर ने पहले एक बार बेच चुका है, तो उनको कैसा पता चलेगा? जनरली जब रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट रहता है जी, तो जब भी बिल्डर फ्लैट सेल करता है ना, तो उसका मंथ टू मंथ उनका अपडेशन देना पड़ता है रेरा अथॉरिटी, रेरा में, कि ये फ्लैट सेल किया है। तो आपको ना, जब बिल्डिंग का जो आप रेरा ओपन करते हो ना, तो उसमें सब आता है कि बिल्डर ने ये फ्लैट इसको सेल किया है। ओके, फिर भी बिल्डर ने अपडेट नहीं किया, और आपको फिर भी आपको लग रहा है कि शायद बिल्डर फ्रॉड करने के लिए अपडेट भी नहीं करेगा और आपको सेल कर सकता है, तो उसके लिए ना आपसे लॉयर से सर्च लेना चाहिए। ओके, तो वो आपका काम है कि आप, हाँ, वो लॉयर का काम है, पता चल जाएगा ये फ्लैट बिका हुआ है कि नहीं। हाँ, वो जनरली कैसे कि सर्च का
वो 5 से 6 साल का ही सर्च रहता है। okay. वो लॉयर मैक्सिमम 4 to 5,000 to 6,000 फीस ले okay. लेता है और उसमें आपको पूरा हिस्ट्री बता देता है कि ये बिल्डिंग का ये साल में इतने इतने ट्रांजेक्शन हुए, तो आप चेक कर सकते हो। ये पेमेंट आपको देना है अगर ये सब देखना है। बिल्डर को कस्टमर को दे रहा है ना, क्योंकि वो 20-25 लाख की चीज ले रहा है, अगर वो 5,000 खर्चा नहीं कर सकता सही है, तो एजेंट नहीं कर सकता, बिल्डर उसने करना है, कस्टमर नहीं करना है। अगर वो बिल्डिंग रेरा अप्रूव ना हो और रेरा में उसका कुछ जानकारी ना मिले लेकिन उसका ओसी आ चुकी है और वो लीगल है, फिर कैसे पता चलेगा कि वो फ्लैट सेल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर अपडेट नहीं है? तो उसके लिए आपको सर्च लेना कंपलसरी है, तो लॉयर के पास आना, लॉयर के पास। अगर आपका ऐसा कुछ डाउट है तो आपको फिर उसका क्या देखने की सीसी कौन से डेट को आई। अगर सीसी आई है 2018 या 19 में, तो आप 17 से लेके 24 तक सर्च ले लो, लॉयर से बोलो कि ये बिल्डिंग है, ये सर्वे नंबर है, इसमें बिल्डिंग है, इसका क्या क्या डील हुआ है, उसका हमें रिपोर्ट चाहिए। तो फिर आपको उसका लॉयर की रिपोर्ट में सब मेंशन होकर आ गया कि कितने फ्लैट, कौन कौन से फ्लैट इसके सेल हुए। ओके, और वो इजीली अवेलेबल है। तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक बिल्डिंग जो है उसका रेरा में जो पासिंग है या उसका जो सीसी है वो 6 माले तक भी है, 6 फ्लोर का परमिशन मिला है उनको, लेकिन 7 भी बिल्डर बना रहा है, 8 भी बना रहा है, ऊपर का बेच रहा है, तो वो रजिस्टर्ड होता है या वो लीगल है? और उसके लिए, उस चीज से बचने के लिए कस्टमर को क्या चीज देखना जरूरी है? उसके लिए ना आपको सैंक्शन प्लान, आप वही तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सैंक्शन प्लान आप जब देखते हो ना जी, उसमें कितना उसको फ्लोर अप्रूव हुआ है, उसका सब लिस्ट रहता है, ग्राउंड प्लस 7, ग्राउंड प्लस 6। अगर वो आपको दिख रहा है कि आपको उसको ग्राउंड प्लस 4 ही सैंक्शन हुआ है और वो 5th फ्लोर 6th फ्लोर सेल कर रहा है, तो सब इलीगल है। और आपको रजिस्ट्री के लिए भी तकलीफ, वो बिल्डर चलो कुछ झोलझाल करके आपको रजिस्ट्री भी करके देगा, मगर आपको सेल करते टाइम तकलीफ भी हो सकती है, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगी, तो उसमें आप खुद भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पे भी होता है, ग्राउंड फ्लोर पे हम देखते हैं कि वो स्टील पार्किंग रहता है, बाद में उसमें भी फ्लैट बन जाता है, तो वो भी कस्टमर के लिए मुसीबत ही। और गवर्नमेंट को अगर किसी ने कंप्लेंट किया कि ये बिल्डर ने 1+ ग्राउंड +4 था मगर 7 किया है, तो कभी कभी गवर्नमेंट खुद आके भी 5th से लेके 7 तक का कंस्ट्रक्शन तोड़ डालती है, तो उसमें आपका फ्लैट भी टूट सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। ओके, तो ये भी कस्टमर को चेक करना पड़ेगा, एजेंट्स को चेक करना पड़ेगा कि आप जो फ्लैट बेच रहे हो या कस्टमर जो फ्लैट ले रहे हैं वो अपना अप्रूवल पासिंग जो है उसका अंदर है क्या, प्लान का अंदर है क्या, प्लान में फ्लोर सैंक्शन है क्या, वो देखना चाहिए। ओके, जो फ्लोर में वो फ्लैट ले रहा है वो फ्लोर एक्चुअल में प्लान में है क्या, वो कस्टमर ने और एजेंट ने दोनों भी देखा। अभी जो क्वेश्चन है, जितना भी हमने बात किए है ये सब कस्टमर्स का फेवर में बात किए है, सब कस्टमर को फायदा होने वाली बात की है, बिल्डर का तो कुछ फायदा नहीं है इसमें, मेरा फायदा है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कस्टमर का नेगेटिव पॉइंट में जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी, हमने नेरल में देखे क्योंकि यहाँ पर बहुत लो बजट प्रॉपर्टी है, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, जिनके पास डाउन पेमेंट है ही नहीं वो भी आ रहा है, जिनके पास थोड़ा 1-2 लाख रुपया है वो भी आ रहा है, और जिनके पास 0 डाउन पेमेंट है फिर भी बिल्डर लोग यहाँ पर फ्लैट दे रहे हैं उनको। बराबर, तो मेरा हिसाब से या आपका हिसाब से क्या बिल्डर को ऐसा कस्टमर्स को देना चाहिए जिनके 0 डाउन पेमेंट है और उसी फ्लैट का एग्रीमेंट बढ़ा के, अभी हम एग्रीमेंट पे भी आ रहे हैं, तो एग्रीमेंट बढ़ा देते 20 लाख का प्रॉपर्टी को 25 लाख बता देते हैं, फिर एग्रीमेंट बढ़ा के लोन अप्रूव तो कर लेते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है बिल्डर लोग कस्टमर को भी पेमेंट देते हैं, भाई तुम्हारा डाउन पेमेंट नहीं है, ये लो 2 लाख 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिखाओ, तो उसमें कस्टमर्स का कितना नुकसान है या बिल्डर का क्या नुकसान है, आप बताइए जरा। इसमें ना बिल्डर का भी नुकसान है और कस्टमर का भी नुकसान है। आप बोलोगे कैसे, तो जब भी बिल्डर एक प्रोजेक्ट उनके अगर बिल्डिंग में से वो फ्लैट की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में फ्लैट सेल करता है, और कस्टमर तो क्या देखता है कि चलो अपने को तो फ्री में मिला, उसका लोन के लिए प्रोसीजर के लिए पीछे नहीं लगता, और लोन जब रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो एक तो उसका जो फ्लैट है, समझो लोन अगर मिल भी गया, समझो चलो मिल भी गया उसको लोन मिल गया मगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट उसको अटैच के लिए नोटिस निकालती है। ओके, और ये बिल्डर के कितने फ्लैट ऐसे अटैच में गए तो बिल्डर को भी ब्लैक लिस्ट में डालती है। अरे वाह, और ये बिल्डर के लिए एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। बहुत से बिल्डर ऐसे करते हैं, उनको लगता है चलो हम पैसे भर देंगे, स्टैम्प ड्यूटी का पेड करेंगे, फिर ये लोन के कस्टमर ईएमआई नहीं भर पा रहा है, जिसके पास डाउन पेमेंट नहीं है, 2 लाख 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट नहीं है, वो कैसा ईएमआई भरेंगे। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि आप एक 20 लाख का प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो तो आपका ईएमआई 18-20 हजार आता है, लेकिन आप उसी को एग्रीमेंट बढ़ा के 30 लाख कर रहे हो तो फिर आपका ईएमआई भी डबल आ रहा है ना, डबल आ रहा है। आप अगर 20,000 नहीं भर पा रहे तो 30,000 कहां से भरेंगे। बराबर है, बराबर है ना। हाँ। तो ये भी कस्टमर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये मतलब ऐसा बिल्डर लोग तो कभी कभी भी लालच दे देते हैं
कि आप ले लो, हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं, आपको डाउन पेमेंट दे रहे हैं, आपको निकाल के देंगे, ऐसे वैसे करके आपका फ्लैट भी गया, पैसा भी गया, ये बोलना चाह रहे हैं 100% उनका फ्लैट अटैच हो जाता है, आप ये लॉक लग जाता है। हाँ, लॉक लग जाता है। वो बैंक वो किसी को भी लो प्राइस में बैंक सेल कर देती है, और उसमें बिल्डर का भी नुकसान है। जब वो फ्लैट सेल होता है तो बिल्डर का नाम आ जाता है उसमें कि ये बिल्डर की बिल्डिंग में इतने इतने फ्लैट अटैच हुए, तो बिल्डर फ्रॉड कर रहा है, तो बिल्डर भी ब्लैकलिस्ट में चला जाता है। मतलब ये लीगल नहीं है, लीगल नहीं है। और कस्टमर का भी एक नुकसान है कि कस्टमर का भी बैंक आजकल सब डिजिटल है, और बैंक रिकॉर्ड में इन्होंने ईएमआई पे नहीं किए, तो इसका सिविल खराब हो जाता है और इन फ्यूचर उसको लोन नहीं मिलता। अगर इसके बाद भी आपका कभी डाउन पेमेंट आपके पास आ गया, 2-4 लाख रुपए आ गया और आप लेना चाहते हो, तो अभी नहीं ले सकते, नहीं ले लोन नहीं होएगा, नहीं लोन, आपको कैश पेमेंट करके लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिए और इतना अच्छा से समझाए। उसमें ज्यादातर मैं वही बोल रहा हूँ कि कस्टमर्स को बहुत फायदा है, और आपका नंबर भी मैं स्क्रीन में दूंगा। मेरा कोई कस्टमर मेरा नाम लेके अगर आता है, मुझे कोई कमीशन कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा कस्टमर को लीगल के बारे में आपको सपोर्ट करना चाहिए 100%। हाँ, तो कम पैसा भी लेना चाहिए, आप 100% बहुत जाने माने अपना एडवोकेट है, और बहुत ज्यादा जितना आपसे हमारा पहचान है, आप इललीगल काम कभी करते ही नहीं है, जुगाड़ वाला काम करते ही नहीं है, 100%। अगर वो सही है, सीधा है, उस चीज को आप करते हैं, और पैसा भी हम देखते हैं, पेमेंट वगैरह थोड़ा दूसरा से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा भी रहता है, अच्छा अच्छी बात है ये, अगर अच्छा क्वालिटी दे रहे तो पैसा लेना चाहिए, लेकिन हमारा कोई कस्टमर आएंगे तो उनको आप नेगोशिएट करेंगे 100%। जो अपन ये जो हमारा सब्जेक्ट था, ये पूरा फ्लैट्स का ऊपर था, क्योंकि हम फ्लैट सेल कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई लुकआउट भी नहीं रहेगा। इसमें तो मेरा थोड़ा बहुत फायदा है कि कस्टमर को लगेगा मैं कितना जेन्युइन हूँ, ये हूँ मेरा पास आने वाले, लेकिन प्लॉट्स में तो मेरा पास कस्टमर आते ही नहीं है, और मैं प्लॉट सेल भी नहीं करता हूँ, लेकिन उसका ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे आपको कि प्लॉट्स क्या कैसा देख के लेना चाहिए, सातबारा वगैरह और एनए प्लॉट, ये सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू अगेन। लॉयर का नजर में कौन सा प्रॉपर्टी लीगल और कौन सा प्रॉपर्टी इलीगल कहा जा सकता है बिल्डिंग लाइन में? पहले मैं नवाब भाई आपको एक थैंक्स बोलता हूँ जी। मैं आपको थैंक्स बोलने के रीजन ये है कि एज पर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है कि आप जनरली फ्लैट सेलिंग्स या प्रॉपर्टी सेलिंग का ही काम करते हो, तो जनरली जो प्लॉट्स या फ्लैट सेलिंग का जो काम करते हैं वो कभी लीगल इलीगलिटी के बारे में सोचते नहीं, उनके कमीशन के बारे में सोचते, उनके प्रॉपर्टी के बारे में सोचते, मगर आपका जो पब्लिक का अवेयरनेस देख के मैं आपको पब्लिक के बिहाफ पर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप पब्लिक के भले के लिए आप एक लॉयर से कौन सा प्रोजेक्ट लीगल और कौन सा प्रोजेक्ट इलीगल ये एक लॉयर के मुंह से सुन के पब्लिक को अवेयर कर रहे हो, तो इसके लिए मैं खुद ही आपको पहले थैंक्स बोलूंगा कि ऐसे ईमानदार लोग प्रॉपर्टी सेलिंग के बारे में बहुत कम है।